हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल साई एडियो फार्मा। आइए आज हम डिस्कस करेंगे CSVTU का जो क्वेश्चन पेपर बी फार्म 8th सेमेस्टर का PCI सिलेबस का था, उसमें कॉस्मेटिक साइंस में कुछ MCQs हैं, उनको डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्किन हाइड्रेशन इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन में है सीबोमीटर, कॉर्नियोमीटर, क्यूटोमीटर, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ ऑल ऑफ द अबव देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना है, हमको ये रिकॉल करना है कि सीबोमीटर था किसके लिए, कॉर्नियोमीटर और क्यूटोमीटर किस लिए। तो ये वाला एक टेबल हमने बायो इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज्ड फॉर द स्किन एफिकेसी स्टडीज़ में पढ़ा था। स्किन हाइड्रेशन के लिए यूज़ होता है कॉर्नियोमीटर, सिबम के लिए है सीबोमीटर, मिलानिन एंड एरिथमा के लिए मैक्सामीटर, स्किन विस्को इलास्टिसिटी है क्यूटोमीटर, स्किन कलर मेजर करते हैं बाय क्रोमामीटर एंड स्किन कलरीमीटर, फिर ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस TEWL होता है बाय टेवामीटर, pH बाय स्किन pH मीटर, टेम्परेचर और माइक्रो सर्कुलेशन को मेजर करते हैं बाय स्किन थर्मोमीटर। तो ये टेबल है जिसको कि आपको याद रखना है। तो अब आप बता सकते हैं स्किन हाइड्रेशन किससे मेजर होता है, तो इसका आंसर है कॉर्नियोमीटर। यहाँ कन्फ्यूजन होता है कॉर्नियो और क्यूटो में, तो याद रखिएगा क्यूटोमीटर है विस्कोलास्टिसिटी के लिए और हाइड्रेशन के लिए है कॉर्नियोमीटर। सेकेंड है मैक्सामीटर मेजर्स, तो अभी हमने देखा कि वो मेलानिन और एरिथमा दोनों को मेजर करता है, इसका आंसर होगा सी। डैश कंपोनेंट इज एडेड इन एक्वस फेस ऑफ क्रीम, तो हमको पता है कि क्रीम जो है वो एक टाइप का इमल्शन होता है, इसमें एक्वस फेस और ऑयली फेस होता है। तो स्टेरिक एसिड और सिटाइल अल्कोहल ये दोनों ही मेल्ट किए जाते हैं और ये दोनों ऑयली फेस में जाते हैं। बचा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको याद रखना है हाइड्रोक्साइड है OH है, मतलब ये एक्वस फेस में जाएगा, तो आंसर है सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले आप जब भी MCQ सॉल्व करते हैं तो जो ऑप्शन नहीं होगा उसको रूल आउट करना चाहिए, उसके बाद जो बचे ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट हमको लेना है अगर हमको आंसर नहीं आता है तो। स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड इज यूज्ड इन टूथपेस्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, डीसेंसिटाइजिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट, तो यहाँ आंसर है डीसेंसिटाइजिंग एजेंट। डैश कॉन्स्टिट्यूएंट प्रिवेंट्स टूथपेस्ट फ्रॉम ड्राइंग, तो ड्राइंग के से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम उसमें यूज़ करते हैं ह्यूमेक्टेंट जो कि उसमें मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। TEW इज हाई एट, तो ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस कहाँ से ज़्यादा होता है, तो इसके लिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पाम्स, सोल्स, एक्सिले तीनों ही एरियाज से ये ज़्यादा होता है। द मैक्सिमम आर्सेनिक परमिटेड इन टूथपेस्ट इज 2 PPM, 5 PPM, 10 PPM और 15 PPM, इसका आंसर है 2 PPM। इसको आप रिकॉल करिए ये वाला टेबल जो कि हमने BIS रिक्वायरमेंट्स ऑफ टूथपेस्ट पढ़ा था, ये हमने एक वीडियो पहले देखा था जिसमें कि जो BIS रिक्वायरमेंट्स है वो हमने देखी थी। तो मैक्सिमम हैवी मेटल्स या लेड के लिए परमिटेड है 20 PPM, आर्सेनिक के लिए 2 PPM, फोमिंग पावर है 50, फिर अवेलेबल फ्लोराइड आयन्स है 50, और टोटल वायबल काउंट्स पर ग्राम है 1000, और ग्राम नेगेटिव पैथोजेंस जो है वो एब्सेंट होने चाहिए। सो फुल फॉर्म ऑफ BIS क्या है, तो ये हम सभी जानते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है BIS। बेंजालकोनियम क्लोराइड इज डैश कैटेगरी ऑफ प्रिजर्वेटिव, तो जो प्रिजर्वेटिव का क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसमें हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड है बेंजालकोनियम क्लोराइड, इसके एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं, तो ऑप्शन है सी। एन आइडियल प्रिजर्वेटिव शुड बी नैरो स्पेक्ट्रम, इफेक्टिव एट लो कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्टिव एट हाई कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव फॉर सम टाइम, तो नैरो स्पेक्ट्रम नहीं ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, और ये मिनिमम या लो कॉन्सेंट्रेशन में इफेक्टिव होना चाहिए, इसलिए आंसर है बी। टू अवॉइड इन्फ्लामेशन डैश कैटेगरी ऑफ केमिकल इज एडेड इन सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स, इन्फ्लामेशन से बचने के लिए हम एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स ऐड करते हैं, तो आंसर है ए। इन फॉलोइंग सनस्क्रीन केमिकल देयर इज डेंजर ऑफ कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, तो पाबा और पाबा एस्टर्स दोनों में ही डेंजर होता है, तो आंसर है सी। जिंक पायरीथीन इन शैम्पू इज यूज्ड एज
चार ऑप्शंस है, कंडीशनिंग एजेंट, क्लेंजिंग एजेंट, एंटी डैंड्रफ एजेंट या डिटर्जेंट। तो इसका आंसर है एंटी डैंड्रफ एजेंट। द स्टेनिंग डाइज विच चेंज इन कलर ऑन एप्लीकेशन टू स्किन आर, इसमें ब्रोमो एसिड, लेक्स और स्पर्म एसिड टी है। तो आंसर होगा ब्रोमो एसिड्स। फॉलोइंग कंट्री हैज़ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट दैट आर इन बिटवीन कॉस्मेटिक एंड ड्रग विच आर कॉल्ड क्वासी ड्रग। सो क्वासी ड्रग कहाँ पर दिया गया था बेसिकली, तो ये जापान की गाइडलाइंस में है। नीम सीड कंटेन्स डैश विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्टिंक्टिव ऑर्डर ऑफ द ऑयल इंडिया, तो ऑफ द ऑयल, तो इसमें आंसर है टिग्निक एसिड। फिर द आंवला फ्रूट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ डैश एक्सेप्ट, तो ऑब्वियस है आंवला में एम्ब्लिकैनिन ए भी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, एम्ब्लिकैनिन बी भी होता है, बट क्यूरक्यूमिन नहीं होता है, तो आंसर होगा क्यूरक्यूमिन। बहुत ईजी है ये। वॉट इज द रोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इन माउथ वॉश, सोडियम बाइकार्बोनेट किस लिए यूज होता है, तो ये यूज होता है डिओडोराइजर के रूप में। पैच टेस्टिंग इज वेल एस्टैब्लिश्ड मेथड ऑफ डायग्नोसिंग efficacy of cosmetic preparations, contact dermatitis, color match test or spreadability, तो answer है contact dermatitis। gelling agent used in deodorants is A. sterile alcohol, B. acetyl alcohol, C. glycerol stearate or all of the above, here the answer is all of the above। so thank you so much, stay connected with Sci Edu Pharma।